हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक स्पेशल सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसमें कि 2019 के यानी कि पिछले एक साल के वे सारे टॉपिक जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और जो कि चर्चे में रहे हैं, इन्हें हम कवर कर रहे हैं MCQ के माध्यम से। और ये इसका पार्ट टू है। इसका जो पिछला पार्ट था, पार्ट वन, इसमें हम लोगों ने एक से लेकर के 50 MCQ सॉल्व किए थे। और अब इस नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट टू में 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, इसे भी MCQ के फॉर्मेट में, जो कि आपके आगामी किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। एशिया का पहला पांचवा पीढ़ी का यानी कि 5th जनरेशन का VR आधारित सिम्युलेटर केंद्र ये कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये कुछ समय पहले ही लॉन्च किया गया है चेन्नई से। चेन्नई जो कि तमिलनाडु की कैपिटल है। एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये एशिया का पहला है इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे ही लॉन्च किया गया है चेन्नई से। और चेन्नई में भी कहाँ से? AASI से, यानी कि एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया सेंटर, यहीं से इसे लॉन्च किया गया है। चेन्नई से रिलेटेड एक और फैक्ट आप याद रखेंगे, यहीं पर हेडक्वार्टर स्थित है TVS का। और TVS के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। और जो TVS है, इससे ही रिलेटेड एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। जो TVS है, इसने कुछ समय पहले ही एथेनॉल से चलने वाली पहली बाइक भी लॉन्च की है, तो ये आप याद रखेंगे। और अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारी किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वायु प्रदूषण को यानी कि एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए वर्ल्ड का पहला ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। बात की जाए गुजरात की, तो राजधानी गांधीनगर, जो कि अमित शाह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। और अमित शाह प्रेजेंट टाइम में हमारे गृह मंत्री हैं, इन्हीं का निर्वाचन क्षेत्र है गांधीनगर। और अमित शाह जी ने गांधीनगर से कुछ समय पहले ही भारत की पहली बैटरी चालित सिटी बस सेवा का भी शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के पहले ग्रीन फील्ड औद्योगिक स्मार्ट सिटी का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है औरंगाबाद से। और औरंगाबाद ये कहाँ है? ये स्थित है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का ही एक शहर है औरंगाबाद। और औरंगाबाद किस लिए फेमस है? तो आप लोगों ने सुना होगा, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, बीबी का मकबरा ये स्थित है औरंगाबाद में ही, जो कि बनवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के सबसे बड़े सौर पार्क की स्थापना की जाएगी? तो इसकी स्थापना की जाएगी गुजरात की। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और कुछ समय पहले ही गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी बनाए गए हैं, इनका नाम क्या है? जस्टिस विक्रम नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद से रिलेटेड दो फैक्ट आप याद रखेंगे। पहला तो यह कि जो हैदराबाद है, ये भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला है। साथ ही हैदराबाद में कुछ समय पहले ही विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है, जहां पर कि 1,00,000 लोगों को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी मेडिटेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवात फान फोन ने किस देश को तबाह कर दिया है? तो फान फोन चक्रवात, इसका संबंध है फिलीपींस से। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। और मनीला में किसका हेडक्वार्टर स्थित है? ये हेडक्वार्टर स्थित है ADB का, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर स्थित है फिलीपींस मनीला में। साथ ही एक अवार्ड है रैमन मैक्सेसे अवार्ड, जो कि फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैक्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। और 2019 का जो रैमन मैक्सेसे अवार्ड है, ये किस भारतीय को दिया गया? ये दिया गया रवीश कुमार को, जो कि NDTV के संपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार डबल स्ट्रैक ट्रेन का ट्रायल किया गया है? तो ये ट्रायल कुछ समय पहले ही किया गया है हरियाणा राज्य में।
और ये डबल स्ट्रैक ट्रेन क्या है, तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे ये ट्रेन है, ट्रेन के जैसे बॉक्स होते हैं और बॉक्स के ऊपर बॉक्स, ये है डबल स्ट्रैक ट्रेन। इसी का ट्रायल किया गया हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ग्रीन फील्ड बंदरगाह स्थापित करने की मंजूरी दी है, तो ये मंजूरी दी गई है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। यदि बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो मुख्यमंत्री कौन है, जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन, और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ही भारत का 25वां उच्च न्यायालय खोला गया, और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, जेके माहेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 ये लॉन्च किया गया है, तो ये सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्ग मार्च है जो, ये है चाइना का। चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। और अभी जो कोरोना वायरस चर्चे में है, तो इसकी शुरुआत चाइना के वुहान शहर से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 2019 को किस भारतीय वायुसेना के विमान का विघटन किया गया, यानी कि समाप्ति की घोषणा कर दी गई है, इसे अलविदा कहा गया है, तो ये अभी हाल ही में किया गया है मिग 27 विमान को। और जो मिग 27 विमान रहा, इसने कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी, जिसका अभी हाल ही में विघटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध ई कॉमर्स कंपनी ने चंद्रमा पर मानव भेजने की योजना बनाई है, इस कंपनी का नाम क्या है, तो ये है अमेज़ॉन। और अमेज़ॉन इसके संस्थापक और सीईओ कौन है, तो ये है जेफ बेजोस। और यहाँ पर एक और टर्म इम्पॉर्टेंट है, ई कॉमर्स। अभी जो ई कॉमर्स इंडेक्स जारी किया गया था, ई कॉमर्स इंडेक्स में किस देश ने टॉप किया है, तो ये टॉप किया था नीदरलैंड ने, जबकि इंडिया की रैंकिंग है 73। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी वर्ष इसरो की एक नई वाणिज्यिक इकाई जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, इसका उद्घाटन किया गया बेंगलोर में, बेंगलोर जो कि कर्नाटक की राजधानी है, और इसी बेंगलोर में हेडक्वार्टर स्थित है इसरो का। इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है और प्रसिद्ध आईटी कंपनी है इन्फोसिस, इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन शक्ति क्या है, तो मिशन शक्ति यह एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, यानी कि यह एक भारत का एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह पर अपने किस रोवर मिशन को समाप्त करने की घोषणा की है, तो ये घोषणा भी हाल ही में की है अपॉर्चुनिटी रोवर को समाप्त करने की, और ये नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसी ने यह डिसीजन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G-SAT-31 का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया, तो इसका प्रक्षेपण किया गया था कौरू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलेना क्या है, तो यह एक टैंक रोधी मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 फरवरी 2019 को एयर स्ट्राइक के दौरान वायुसेना ने किस विमान का उपयोग किया था, तो देखिए विमान का उपयोग पूछा जा रहा है, ये उपयोग किया गया था मिराज का, और जो विंग कमांडर अभिनंदन का विमान था उसका नाम था मिग 21, इसलिए दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। और ये जो एयर स्ट्राइक की गई थी, इसे क्या नाम दिया गया था, ऑपरेशन बंदर, तो इस ऑपरेशन का नाम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSLV C-44 का परीक्षण कब किया गया, तो इसका परीक्षण कुछ समय पहले ही किया गया, यानी कि पिछले एक साल में 24 जनवरी 2019 को। और इस सीरीज़ में हम पिछले एक साल का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन कवर कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को कवर किया है। 24 जनवरी 2019 को PSLV C-44 का परीक्षण किया गया, PSLV यानी कि पोलर सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2019 में किस देश का अंतरिक्ष यान चंद्रमा के डार्क साइड में सफलतापूर्वक उतारा गया, तो ये उतारा गया चाइना का, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का चंद्रयान मिशन फेल हो गया, तो ये फेल हुआ था इजराइल का, और इस मिशन का नाम क्या था, बैरे सेट, तो इसका नाम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने गगनयान परियोजना के लिए किस देश के साथ करार किया है, तो ये करार किया गया है रसिया के साथ, यानी कि ऑप्शन बी। रसिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को, करेंसी है रूबल। हाल ही में यहाँ के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं मिखाइल मिशुस्टिन, जबकि प्राइम मिनिस्टर का नाम है व्लादिमीर पुतिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी चलाई गई है? तो ये चलाई गई है जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के किस यान ने मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? तो ये लैंडिंग अभी हाल ही में की है इनसाइट ने, और नासा के बारे में अभी मैंने बताया है, ये एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का पहला निजी रॉकेट जिसका नाम है मोमो 3 ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा है? तो ये है जापान का पहला निजी रॉकेट जिसका नाम है मोमो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के गेल क्रेटर के पास मीथेन गैस की मौजूदगी की पुष्टि की है? तो ये पुष्टि अभी हाल ही में की गई है मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश YouTube पर सबसे बड़ा तथा सबसे तेजी से वृद्धि होने वाला बाजार बन गया है? तो इसका बाजार सबसे बड़ा बना है अपने देश भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के गगनयान मिशन के फ्लाइट सर्जन को ट्रेनिंग देगा? तो देखिए, यदि देखा जाए तो भारत ने गगनयान मिशन के लिए रूस के साथ समझौता किया है, यानी कि करार किया है, लेकिन गगनयान मिशन के जो फ्लाइट सर्जन होंगे इन्हें ट्रेनिंग देगा फ्रांस। फ्रांस की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है? पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। करेंसी है यूरो, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने सभी दूर संचार कंपनियों को किस नेटवर्क पर परीक्षण करने के लिए स्पेक्ट्रम देने का फैसला किया है? तो इस नेटवर्क का नाम है 5G नेटवर्क। और आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए, 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश ये है साउथ कोरिया। इसके बाद चाइना ने भी 5G नेटवर्क लॉन्च किया था, और अब भारत में इसका ट्रायल किया जाएगा मार्च 2020 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ AK-203 असॉल्ट राइफल्स के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर अभी हाल ही में किए गए हैं रसिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? ये की जाएगी कर्नाटक में। कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? BS येदुरप्पा, और गवर्नर है वजूभाई बाला। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभय श्रीनिवास ओका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एयरक्राफ्ट करियर पर उतरने वाला पहले स्वदेशी विमान बना है, यानी कि स्वदेशी लड़ाकू विमान बना है? तो ये बना है तेजस विमान। और आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि तेजस विमान पर सवारी करने वाले, यानी कि इसकी शेयर करने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री ये बने थे राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए, यानी कि ब्लाइंड लोगों के लिए मुद्रा नोट को पहचानने में आसानी हो, इसके लिए RBI ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो इस ऐप का नाम है मनी ऐप, और यहाँ पर मनी ऐप की भी फुल फॉर्म बनती है, फुल फॉर्म है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। तो इसकी फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को, और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 को। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस नाम से ऑनलाइन ग्रोसरी यानी कि किराना स्टोर को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है रिलायंस जियोमार्ट, जो कि लॉन्च किया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा किस वर्ष तक भारतीय रेलवे के 100% विद्युतीकरण हो जाने की घोषणा की गई है? ये घोषणा की गई है 2024 तक। घोषणा इस तरह से है कि 2024 तक इंडियन रेलवे को 100% विद्युतीकृत कर लिया जाएगा। पीयूष गोयल जी, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे रेलवे मंत्री हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? तो ये महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश की पहली सुपर फैब लैब का शुभारम्भ किया गया है? तो अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ देश की पहली सुपर फैब लैब, इसका शुभारंभ किया गया है केरल में। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री कौन है? पी विजयन, यानी कि पिनरई विजयन, और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। साथ ही कुछ समय पहले ही केरल के कोच्चि में अंतर्राष्ट्रीय सी फूड शो, इसका उद्घाटन किया गया, और जो कोच्चि एयरपोर्ट है
ये सौर ऊर्जा से संचालित विश्व की पहली एयरपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गजनवी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इसका परीक्षण किया था पाकिस्तान ने। इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। जबकि प्राइम मिनिस्टर का नाम है इमरान खान। इसने कुछ समय पहले सुगर केन जूस यानी कि गन्ने के रस को नेशनल ड्रिंक भी डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली जलमग्न मेट्रो ये किस राज्य में तैयार की जा रही है? तो ये तैयार की जा रही है कोलकाता में, यानी कि अंडर वाटर ट्रेन कोलकाता जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और इसी हुगली नदी पर प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के नगर पालिका चुनाव में फेस रिकग्निशन ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा? ये किया जाएगा तेलंगाना में। और तेलंगाना से रिलेटेड सारे फैक्ट मैंने आप लोग बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष मिशन पर भेजे जाने वाले पहले अर्धमानव रोबोट का अनावरण किया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है व्योम मित्र, या इसे ही हम कहेंगे अंतरिक्ष मित्र, या इंग्लिश में इसे हम कह सकते हैं फ्रेंड इन द स्काई, जो कि लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1969 में, हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलोर कर्नाटक में और अध्यक्ष हैं के सीवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे सैटेलाइट के प्रक्षेपण के लिए नए प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना ये किसके द्वारा की जाएगी? तो इसकी स्थापना की जाएगी इसरो के ही द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीएससी ने कितने करोड़ के स्वदेशी उपकरणों को खरीदने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है कुल 5100 करोड़ के स्वदेशी उपकरणों को, और ये राजनाथ सिंह जी की मौजूदगी में यह फैसला लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस टेलीकॉम कंपनी का एम पैसा सर्टिफिकेट को रद्द किया है? ये रद्द किया गया है वोडाफोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए यूपीआई भुगतान की सुविधा शुरू की है? ये सुविधा शुरू की गई है जियो के द्वारा। जिस तरह आप फ़ोन पे यूज़ करते हैं, जिस तरह आप पेटीएम यूज़ करते हैं, सेम उसी तरह से यह वर्क करेगा। बस इसके लिए आप लोगों को अलग से यूपीआई अकाउंट बनाने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस कब तक भारत को वायु रक्षा मिसाइल जिसका नाम है S-400 ये कब तक सौंपेगा? ये सौंपेगा 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुखोई विमान के पहले स्क्वाड्रन को किस सेना में शामिल किया गया है? इसे शामिल किया गया है वायुसेना में। प्रेजेंट टाइम में वायुसेना अध्यक्ष कौन है? RKS भदौरिया। और वायुसेना के उपाध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है HS अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 50 पेंस का ब्रेग्जिट स्मारक सिक्का जारी किया है? ये जारी किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। इसके बारे में मैंने आप लोग बताया भी था, जो ब्रिटेन है ये अब यूरोपीय यूनियन से अलग हो चुका है। और कब अलग हुआ है? 31 जनवरी 2020 को। और इसी के उपलक्ष्य में इसने 50 पेंस का एक ब्रेग्जिट स्मारक सिक्का जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एयरक्राफ्ट करियर पर उतरने वाला पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान बना? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर है तेजस विमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो G-SAT-30 को कहाँ से प्रक्षेपित करेगा? तो इस सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया जाएगा फ्रेंच गुयाना से, जो कि प्रक्षेपित किया भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किस तोप की 91 यूनिट को सेना में शामिल किया गया है? तो इस यूनिट का नाम है K-Vajra-9। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस दिग्गज कंपनी ने वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में कटौती का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई थी 1975 में पॉल एलन और बिल गेट्स के द्वारा, जिसमें कि पॉल एलन इनका निधन हो चुका है, 1975 में स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQ कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ये आएगा 101 से 150 तक। आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद आया है। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।